हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, प्यारे विद्यार्थियों, आपकी पोएट्री सेक्शन प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आपका एक पोएम कंप्लीट हो चुका है। उस पोएम को एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, उस पोएम के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। वो पोएम का आपका रेसिटेशन भी मैंने आपको करवा दिया था। नेक्स्ट पोएम के बारे में हम बात करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास टेंथ, क्लास टेंथ, एंड इन पोएट्री सेक्शन चैप्टर नंबर सेकेंड। इन पोएट्री सेक्शन चैप्टर नंबर सेकेंड इज ऑन प्रोग्रेस। ओके डियर्स, ये आपकी सेकेंड पोएम है। द नेम ऑफ द पोएम इज माई गुड राइट हैंड। द पोएट्स नेम इज चार्ल्स मैके, शी मैके। चार्ल्स मैके द ग्रेटेस्ट पोएट इन द वर्ल्ड, who believed in God, who was a theist person, भगवान में विश्वास करने वाला कवि थे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ बात करते हैं, मैंने पिछली पोएम में भी आपको बताया था, इंग्लिश पोएट, इंडियन पोएट, चाइनीज पोएट, आयरिश पोएट, स्कॉटिश पोएट, अफ्रीकन पोएट, ऑस्ट्रेलियन पोएट, फ्रेंच पोएट, केन्याई पोएट, जो भी जिस किसी भी देश से बिलोंग पोएट पोएट करते हैं उसको हम लिख देते हैं। लेकिन विशेषकर अंग्रेजी में क्या करते हैं, इंग्लिश पोएट लिखते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेक इन माइंड, दिस इज नॉट इंग्लिश पोएट। चार्ल्स मैके बिलोंग टू स्कॉटलैंड, सो he will be known as a Scottish poet. Okay, if we write, and we will write the reference, in the reference we will write Charles Mackay is known as the Scottish poet. Scotland ke kavi ke roop mein jane jate hain. Chaliye, ye aapka poet ke bare mein thoda sa ho gaya. Ab baat kar lete hain ek minute ya do minute ke liye poem ke bare mein. कविता हमें क्या बताती है, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इसमें दिया गया है, माय गुड राइट हैंड। हिंदी ट्रांसलेशन आप करोगे, मेरा अच्छा दायना हाथ। अच्छा दायना हाथ का मतलब क्या होता है, परिश्रम, हार्डवर्क। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक अलग बात, कुछ बच्चे लेफ्टी होते हैं, बाएं हाथ से परिश्रम करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन विशेषकर हमारा जो परिश्रम करने का पूरा श्रेय होता है वो किस पर होता है, दाहिने हाथ पर होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, माय गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ, इसे ही कहते हैं। इसलिए मैं यहां आपको ये कहना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि आपका ये जो पोएम है ये परिश्रम के ऊपर डिपेंड करता है। कि आप को यदि कोई परेशानी होती है, आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप गरीबी में जाते हो, तो कोई आपकी सहायता नहीं करेगा सिवाय किसके, परिश्रम के, दाहिने हाथ के। आप इस कविता में दिया गया स्पष्ट रूप से कि आप अपने मित्रों के पास जाइए, मित्र धन नहीं देंगे, साथियों के पास जाइए, वो सलाह देंगे, धन नहीं देंगे, सहायता नहीं करेंगे। सहायता करेगा तो कौन करेगा, केवल और केवल आपका परिश्रम आपकी सहायता करेगा। ओके बच्चों, इसी के साथ हम इस पोएम को पढ़ते हैं, और सबसे पहले हम इसका रेसिटेशन, इसका दोहरान करेंगे, वी विल रिसाइट। ओके, आई फेल इन टू ग्रीफ and began to complain. I looked for my friend,
बट आई सॉट हिम इन वेन. कंपेनियंस वर साय एंड अक्वेंटेंस वर कोल्ड. दे गेव मी गुड काउंसिल बट डीडेड देयर गोल्ड. लेट देम गो आई एक्सप्लेन. आई हैव फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर बी टाइट. टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द शेंड. आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड. क्या समझे बच्चों? इस कविता का जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज कंप्लेन ए बी बी. ओके, ए बी बी सी सी डी डी. ये है ओके. इस कविता की राइम स्कीम ये है. ए बी बी सी सी डी डी का मतलब आप समझे? ये पहली पंक्ति के अंत में ए दिया गया है, मतलब ए मानेंगे इसको. कंप्लेन, अब बताइए कंप्लेन का तुकबंदी किससे बैठ रही है? दूसरी पंक्ति से या तीसरी से? दूसरी से बैठ रही है, तो दूसरी पंक्ति को भी हम क्या बोलेंगे? ए. अब तीसरी पंक्ति को देखते हैं. तीसरी पंक्ति की तुकबंदी ना पहली से बैठ रही ना दूसरी से बैठ रही, अलग ही है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे? बी. और चौथी की पंक्ति कोल्ड गोल्ड, ये भी क्या हो गई? बी. ऐसे सी की अलग है साइड बिटाइड सी सी सेन हैंड डी डी. इस तरीके से की राइम स्कीम है. कविता पोएम जो होती हैं प्यारे बच्चों, वो रेसिटेशन के लिए ज़्यादा होती हैं, आनंद के लिए होती हैं, सुंदरता के लिए होती हैं. इनको गीत की तरह गाना चाहिए. ओके, मैंने इसका रेसिटेशन कर दिया है, चलो फिर भी एक बार और कर लेते हैं. आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन. आई लुक फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम वेन. ओके, कंपेनियंस वर साय एंड अक्वेंटेंस वर कोल्ड. दे गेव मी गुड काउंसिल बट डीडेड देयर गोल्ड. लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड. आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर बी टाइट. टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द शेंड. आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड. कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे से तुकबंदी बिठा रहे हैं, ये दोनों बिठा रहे हैं, ये भी आपके दोनों तुकबंदी बिठा रहे हैं, इसके बाद ये और ये सब तुकबंदी बिठा रहा है. तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? यही कहलाता है राइम स्कीम. चलिए हम इसको हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं और इसका हम अनुवाद भी करते हैं. प्रिय विद्यार्थियों, कभी कहता है कि मैं एक बार दुखों में पड़ गया था, गरीबी में फंस गया था, मेरी कोई ने सहायता नहीं की, मेरी सहायता किसी ने नहीं की. मेरी सहायता की तो किसने की थी? मेरे अच्छे दाहिने हाथ ने की थी, मेरी मेहनत ने सहायता की थी. मैं मित्रों के पास गया, मैं परिचितों के पास गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे सलाह देने लग गए थे. फिर मैंने क्या किया? मैंने भगवान पर विश्वास किया, मेरी मेहनत पर विश्वास किया, और फिर से मैं अच्छा हो गया. लेकिन अभी की जो पंक्ति हैं, इन पंक्तियों में केवल यही है कि मैंने मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर विश्वास किया. बाकी की 8 पंक्तियों रह रही हैं, उसको नेक्स्ट वाली क्लास में करवाया जाएगा. आई फेल इन टू ग्रीफ. मैं फैल माने गिर गया, पड़ गया. इनटू ग्रीफ माने दुखों में, परेशानी में. मैं दुखों में पड़ गया, परेशानी में पड़ गया. एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैं क्या करने लग गया? शिकायत करने लग गया. दुखों में पड़ गया तो शिकायत करना जरूरी है. दुख हो गए, परेशानी आ गई, तो मैं शिकायत करने लगा.
लोगों से प्रार्थना करने लगा। आई लुक्ड फॉर, मैंने तलाश किया ए फ्रेंड माने एक मित्र। जब मैं शिकायत करने लगा, दुखों में पड़ गया, तो मैंने किसको तलाश किया? मित्र को तलाश किया। बट लेकिन आई सॉट, मैंने तलाश किया, मैंने मांगा हिम उस मित्र को, इन वेन माने किस में? व्यर्थ में ही। मैं दुखों में पड़ गया, एक बार दुखों में पड़ गया, मैं शिकायत करने लगा, मैं प्रार्थना करने लगा, मैं रोने लगा, तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे दुखों को दूर करेगा, निवारण करेगा कौन होगा? मेरा मित्र होगा। इसलिए मैं क्या किया था, मैंने मित्र की तलाश की थी, लेकिन वो मित्र की तलाश मैंने व्यर्थ में ही की थी। क्यों की थी व्यर्थ में, देखते हैं। कंपेनियंस वर्साई, व्यर्थ में तलाश करने मतलब समझ रहे हो, मित्र ने कोई सहायता नहीं की। कंपेनियंस साथी, वर्साई कैसे हो गए? शर्मिंदा हो गए, शर्म आने लगी साथियों को। जब मैं दुखों में पड़ गया, मुझे अपना साथी बताने में उनको शर्म आने लगी, दूर जाने लगे मुझसे, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि वो मुझे अपना साथी बताएं। एंड अकेंटेंस, और मेरे परिचित वर कोल्ड, कैसे हो गए? उदासीन हो गए, ठंडे पड़ गए। मेरे जो परिचित थे वो उदासीन हो गए, ठंडे पड़ गए, उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई मेरे उसमें दुख में, वो बिल्कुल जैसे थे वैसे के वैसे ही पड़ गए। मित्र तो व्यर्थ में ही था, साथी थे वो भी क्या हो गए थे? साथी भी साई शर्मीले हो गए थे, शर्मिंदगी से दूर जाने लगे थे, क्योंकि उनको लगा कि मैं गरीब मित्र हूँ। और मेरे परिचित वर कोल्ड, ठंडे पड़ गए, परिचितों ने मेरी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने, किन्होंने? परिचितों ने, मेरे कम साथियों ने, मेरे परिचितों ने, मेरे मित्रों ने मुझे गेव दी। गुड माने अच्छी, और काउंसिल माने क्या होता है बच्चों? सलाह। मेरे परिचित, मेरे साथी, मेरे मित्र मुझे क्या देने लग गए थे? अच्छी सलाह देने लग गए थे। लेकिन मैंने, मुझे पैसे की तलाश थी, क्योंकि मैं गरीब था, पैसे की तलाश थी, मेरे पास पैसा था नहीं। मैंने मित्रों से पैसा मांगा, लेकिन उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया। बट रीडेड, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी, बट लेकिन रीडेड वो डरने लगे देयर गोल्ड माने अपना पैसा देने से। गोल्ड मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गोल्ड इन दिस लाइन? कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ गोल्ड? गोल्ड मीन्स मनी, पैसा। आई नीड द मनी बिकॉज आई बिकेम पुअर, मैं गरीब हो गया था, गरीब हो गया था, मुझे किसकी जरूरत पड़ी? धन की जरूरत पड़ी। लेकिन जब मैंने धन मांगा तो मेरे मित्र मुझे मिले ही नहीं थे कहीं, साथी थे वो शर्म से जाने लगे, परिचित उदासीन हो गए थे। और क्या हुआ था, वो परिचित और साथी मुझे अच्छी सलाह देने लगे, लेकिन डीडेड माने वो डरने लगे देयर गोल्ड अपना धन देने से, पैसा देने से, पैसे की सहायता करने से वो डरने लगे। लेट देम गो, उनको जाने दो, देम मन उनको, लेट गो जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने कहा, मैंने बड़े दुख से कहा, ठीक है उनको जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है एट माई साइड, मेरी तरफ मेरे मित्र जा रहे हैं, उनको जाने दो, उन मित्रों से मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो केवल सलाह देने वाले मित्र हैं, वो दे आर सेल्फिश फ्रेंड्स, दे पीप इन टू योर पॉकेट, वो स्वार्थी मित्र हैं, वो केवल तुम्हारी जेब में झांकते हैं, और जेब खत्म हो गई तो वो फिर आपके पास नहीं रहेंगे। वही इसके साथ हुआ बेचारे के पास, इसके पास धन था, इसकी जेब गर्म थी, इसके सभी मित्र साथी इसके साथ रहते थे, लेकिन इसके पास जब कुछ नहीं रहा तो उसके साथी थे वो भी उससे दूर जाने लगे, दूर भागने लगे। ओके, तो यहाँ क्या है कि डेढ़ देर गोल्ड अपना
सोना अपना धन देने से डरने लगे तो उसने कहा ठीक है जाने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास मेरी तरफ क्या है, एक मित्र है। टू लिफ्ट मी, मुझे ऊपर उठाने के लिए, लिफ्ट माने ऊपर उठाना, मेरी प्रगति करना, मेरा उत्थान करना, मुझे बहुत ऊंचाई तक ले जाना। लिफ्ट का मतलब ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट लिफ्ट उठाना, मित्र को उठा दिए, नहीं, लिफ्ट का मतलब है प्रगति करना, प्रोग्रेस करना, ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए मी माने मुझे, एंड एड मी मुझे सहायता करने के लिए, मेरा उपचार करने के लिए। कौन सी सहायता, कौन सा उपचार करना पता है आपको? उपचार क्या है कि वो दुखों में पड़ गया, वो गरीबी में पड़ गया था, और गरीबी का उपचार क्या है? पैसा, उसको पैसा देने के लिए, उसे अमीर बनाने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए। लेखक कहता है मुझे ऊपर उठाने के लिए, मेरा सहायता करने के लिए, मेरा उपचार करने के लिए, वॉट एवर बी टाइड, चाहे कोई भी परेशानी हो, वॉट एवर, जो कुछ भी, बी टाइड माने परेशानी हो, समस्या हो, दुख हो, उन सभी परेशानियों में, उन सभी दुखों में मेरा उपचार करने के लिए, मुझे ऊपर उठाने के लिए मेरे पास क्या है, एक मित्र है, मेरी तरफ मेरा एक मित्र है। लेखक इस बात को यहाँ कहता है। तो ये कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों, चलिए अगली पंक्ति पर चलते हैं, और एक बार कंप्लीट कराने के बाद इसको फिर तेजी से, रैपिडली, ऊपर से नीचे तक, फिर दोबारा से, फिर से एक बार लेंगे और आपका क्लास भी समाप्त हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, लगातार पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। डू नॉट वरी, इन फ्यूचर यू विल विन यूअर रेस, यू विल विन यूअर गेम, बिकॉज यू आर द ट्रू विनर, आप सच्चे विजेता हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं, नो वन इन द वर्ल्ड, आप सबसे आगे हो, ये सोचिए अपने आप में। ओके, टू ट्रस्ट, विश्वास करना, ट्रस्ट मीन्स क्या होता है, बिलीव, BELIEVE, बिलीव मन विश्वास करना, ट्रस्ट मन विश्वास करना, टू ट्रस्ट, विश्वास करना, टू द वर्ल्ड माने संसार पर, संसार पर, समाज पर, लोगों पर, मित्रों पर, परिचितों पर और साथियों पर विश्वास करना। इज है, टू बिल्ड माने महल बनाना, ऑन द सैंड माने किस पर, रेत पर महल बनाना है। लोगों पर विश्वास करना रेत पर महल बनाने के समान है। टू बिल्ड ऑन द सैंड का मतलब समझ रहे हो, हवाई किले बनाना, रेत पर महल बनाना, पता नहीं वो महल कब खिसक जाए, क्योंकि नीचे से रेत खिसकेगी तो महल गिरेगा ही गिरेगा। तो उसने तो रेत का महल बना रखा था, मित्र ने अपने, उसने, लेखक ने, कवि ने, कवि कह रहा है कि मैंने तो रेत पर महल बना लिया था, मतलब मैंने तो मेरे साथी, मेरे परिचित, मेरे मित्र, उन सभी को बड़ा सहारा समझ रखा था, लेकिन वो कुछ नहीं था, मेरा महल था वो खोखला था, उसके नीचे क्या थी, रेत थी। जो ही मेरे पास गरीबी आई, नीचे से रेत खिसक गई और मेरा महल भी गिर पड़ा। समझ आ रहा है? एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव, यू कैन कॉल मी, यू कैन सेंड मी द मैसेज ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर, आई हैव टोल्ड यू माई कॉन्टैक्ट नंबर। ओके डियर्स, संसार पर विश्वास करना रेत पर महल बनाने के समान है। आई विल ट्रस्ट, लेकिन मैं विश्वास करूंगा, बट इन हेवन, लेकिन किस पर करूंगा, हेवन माने भगवान पर, हेवन माने स्वर्ग होता है, लेकिन यहां हेवन का मतलब क्या है, ईश्वर। बट आई विल बिलीव इन गॉड, नॉट ऑन माई फ्रेंड्स, नॉट ऑन माई कंपेनियंस, आई विल बिलीव इन गॉड, मेरे साथियों पर विश्वास नहीं, मेरे साथी, मेरे मित्रों में विश्वास नहीं करूंगा, विश्वास किस में करूंगा, मैं भगवान में विश्वास करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे दाहिने हाथ, यानी कि मेरे परिश्रम, मेरी मेहनत पर विश्वास करूंगा, ना कि मैं, मेरे मित्रों पर, मैं केवल और केवल। यह प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों कि कवि इस कविता में किस पर विश्वास करने की कहता है, तो आपका एक ये आंसर इसी पंक्ति में रखा है, द पॉइट सेज दैट वन शुड बिलीव इन गॉड एंड वंस राइट हैंड, वंस हार्ड वर्क,
किसी को अपनी मेहनत और अपने परिश्रम में ही विश्वास करना चाहिए, अपने भगवान में विश्वास करना चाहिए। चलिए यहाँ दूसरा प्रश्न बनता है कि कवि मित्र और साथियों को तलाशने क्यों लगा, क्योंकि once upon a time द पोएट फेल इन टू ग्रीफ एंड ही बिगेन टू कंप्लेन ही नीडेड सम मनी टू गेट प्रोग्रेस टू लिफ्ट, आगे बढ़ने के लिए उसको धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने क्या किया था, मित्रों की तलाश की थी। उल्टा चाहते हो तो जब कवि दुखों में पड़ गया था तो उसके मित्रों ने कैसा व्यवहार किया, तो आप लिख सकते हो कि मित्रों ने उसके कोई सहायता नहीं की, दे डिड नॉट हेल्प हिम, दे बीकेम कोल्ड, वो उदासीन हो गए, दे बीकेम शाई, वो शर्म से दूर जाने लगे, भागने लगे, दे गेव हिम गुड काउंसिल गुड एडवाइस, उन्होंने सलाह दी, बट दे डिड नॉट गिव हिम एनी मनी, दे डिड नॉट हेल्प हिम विद मनी, उन्होंने उसकी धन से कोई सहायता नहीं की। चलिए आगे चलते हैं तेजी से। आई फेल इन टू ग्रीप, में दुखों में पड़ गया, एंड बिगेन टू कंप्लेन, में शिकायत करने लग गया था, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने किसी मित्र की तलाश की थी, बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन मित्र मैंने वैसे ही व्यर्थ में ही तलाश किया था, कंपेनियंस वर्साई, साथी शर्मीले होने लगे, शर्म से भागने लगे, अकंटेंस वर कोल्ड, और परिचित उदासीन हो गए थे, दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी, बट डिडेड देयर गोल्ड, लेकिन धन देने से वो डर गए थे, लेट देम गो, लेकिन कवि कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर, बिकॉज आई हैव फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास मित्र है, और वो मित्र कौन सा है, ईश्वर, और मेरा परिश्रम मेरा मित्र है, ऐसा कहता है। लेकिन बीच में एक पंक्ति और कहता है कवि कि संसार पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार पर विश्वास करने का मतलब है रेत पर महल बनाना, रेत पर महल बनाना ही संसार पर विश्वास करने के समान है। प्रत्येक व्यक्ति को किस पर विश्वास करना चाहिए, हेवन भगवान पर विश्वास करना चाहिए, और गुड राइट हैंड माने अपने परिश्रम पर अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए, ये ही वो चीज़ें हैं जो इंसान को अपहोल्ड करती हैं, ऊपर उठाती हैं। अब बीच में और दे दिया कि सहायता करने के लिए, मुझे ऊपर उठाने के लिए, चाहे कोई भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, केवल एक चीज़ है जो इंसान को ऊपर उठाती है, जो इंसान को आगे बढ़ाती है, सारी परेशानी दूर करती है, वो कौन सी है, मेहनत, परिश्रम, हार्डवर्क। ओके बच्चों, ये आपकी पोएम का आधा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, आधा पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, पूरा पोर्शन भी हो सकता था, लेकिन पोएम्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बेटर है, कम पढ़िए लेकिन पोएम्स पूरा पढ़िए, क्योंकि पोएम में आपको क्वेश्चन आंसर भी आते हैं और व्याख्या आती हैं, इसी वजह से मैं आपको यहाँ विशेष विस्तृत रूप से इन चीज़ों को बता रहा हूँ। इसी के साथ आज का मैं ये पोएट्री सेक्शन समाप्त करता हूँ, थैंक यू वेरी मच।